अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो उसी को सही करके आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा वीडियो है तो आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताते हैं, इसमें पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें छोटा सा फॉल्ट रहता है। सब लोग क्या करते हैं कि इसको उसमें बनाने के लिए भेज देते हैं दुकानों पे, इसको आप अपने हाथ से सही कर सकते हैं घर ही पे। तो इसमें छोटा सा एक फॉल्ट है, वही आपको बताते हैं कि कैसे होगा। आगे की पूरी वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये दो पाइप लगा हुआ है यहाँ पे, ये पाइप इनपुट का है, एक गर्म का है एक ठंडा का है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मसला रहता है, इसमें दो फिल्टर लगा होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि वो फिल्टर जाम हो जाता है, तो इसकी वजह से इसमें पानी नहीं जाता है। तो मैं अभी आपको फिल्टर साफ करके फिर दिखाता हूँ कि पानी जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसमें दो फिल्टर लगा हुआ है, एक इसमें, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये फिल्टर है जो ये कचरा उचड़ा को रोकता है अंदर जाने के लिए मशीन में, और एक फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक फिल्टर हो गया और एक फिल्टर ये हो गया। अब इसको साफ कर देंगे तो पानी बहुत बढ़िया से इसके अंदर जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं चालू करके। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसमें पानी आएगा। देखिए, पानी बिल्कुल बढ़िया से आ रहा है। तो ये सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, इसको दुकान पे या बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप सही कर सकते हैं।